हाँ जी, सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी। तुसी कर रहे हो दर्शन गुरद्वारा श्री हजूर साहब के गुरधामा के। सो कल आपां जहाज वाले गुरु घर बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी के गुरद्वारा साहब के दर्शन तुहानू करवाए। सो उस तो अगे आपां चाले पा दिते जी। हुण आपां करनाटका दे विच एंटर कर चुके हैं जी। करनाटका का जिहड़ा बार्डर है वह आ गया है। आ करनाटका का बार्डर है तो इस तो अगे जिहड़ा रोड है वह भी तुसीं देखोगे भी बहुत ही वधिया बनाया होया करनाटका सरकार ने। तो करनाटका दे विच भी जिन्हें गुरद्वारा साहब आणगे तुहानू नाल दी नाल दर्शन करवावांगे। लो जी, हुण आपां पहुँच चुके हाँ करनाटका दे विच। गुरु घर है जी माई भागो जी का। सो चलते हैं जी, तो तुहानू भी करवावांगे दर्शन जी। सारे सत श्री अकाल दोस्तों, जिवें तुहानू पता ही है आपां पहुंचे होए हजूर साहब यात्रा ते। ते मेरी बैक साइड ते तुसीं देख सकते हो माता भाग कौर जी का गुरद्वारा साहब। ते हुण रस्ते दे विच नानक झीरा साहब नूं जांदे जांदे इह गुरद्वारा साहब आए। ते चलदे आं गुरद्वारा साहब दे अंदर ते तुहानू वी करवाने आ दर्शन। तुसीं दर्शन कर रहे हो जी माता भाग कौर जी दे बहुत ही सुंदर ते आलीशान एक किला नुमा गुरद्वारा साहब दे। बहुत ही सुंदर गुरद्वारा साहब माई भागो जी दे। माई भागो जी कौन सन सिख संगतां नूं सारियां जानदी ही हन, ते जे कोई नहीं जानदा तां दस देना चाहवांगे कि माई भागो जी वह सन जदों जंग लड़दे भुखे तिहाए सिंघां ने जवाब दे दिता अते गुरु जी नूं 40 सिंघां ने बेदावा लिख के ये कह दिता कि असी तुहाडे सिख नहीं ते तुसी साडे गुरु नहीं। बेदावा लिख के दिता ते उही माई भागो जी सन जिन्हां ने इन्हां सिखां दीआं जमीनां नूं झंझोड़िया ते उन्हां नूं चूड़ियां पा के घरे बैठण दा मिहणा ताना दे के जंग वल जाण लई प्रेरित कीता। ते उही सिख मुड़ के 40 मुक्ते अखवाए। ये गुरद्वारा साहिब माई भागो जी का इतिहासक स्थान है। इस जगह पर आके वो नितनेम करते सन नानक झीरा, गुरद्वारा नानक झीरा साहिब जी विखे इशनान करन तो बाद इत्थे आके नितनेम करते सन। तो इत्थों ही उन्होंने गुरपुरी नूं चाले पाए सन। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।